कभी कभी फुर्सत में बैठकर ऐसा सोचते हो ना कि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ तब से समस्याएं भी आई हैं, और कभी कभी बड़े विचलित भी होते हो ना कि कहीं तुम्हारे साईं के तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने से ये सारी समस्याएं तो नहीं आ गई हैं। मैं जानता हूँ कि तकलीफों की वजह से तुम ये सब सोचते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि तुम इन सब से निकल पाओ और साथ ही साथ तुम्हें सच्चाई भी दिखे। जिस झूठ और भ्रम में तुम जी रहे थे तुम उनसे उठ पाओ, इसलिए ये सब हुआ। और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था इसलिए इन परेशानियों से बाहर निकलना तो तय ही था, लेकिन इन सबके आने से जो सच्चाई तुम्हें मालूम हुई, जो तुम्हारी भक्ति में वृद्धि हुई और जो तुम मजबूत होते गए, तुम्हारा मनोबल बढ़ता गया, ये सब कुछ होना था इसलिए ये चीजें होती चली गईं। और ये भी मत सोचना कि बाबा के 11 वचन सच्चे होते हैं या नहीं। मैं जानता हूँ परेशानियों से घिरकर कभी कभी तुम मुझसे पूछ लेते हो कि बाबा सिर्फ 11 वचन दिए हो या निभाओगे भी, तो आज मैं तुम्हें उसका भी जवाब देता हूँ कि हाँ, मैंने 11 वचन दिए हैं और मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं निभा रहा हूँ। जो तुम्हारी ख्वाहिशें, जो तुम्हारी मर्जी है वो पूरी होगी, लेकिन तरीका मेरा होगा। जिसकी अर्जी तुम कर रहे हो वो स्वीकार होगी और तरीका मेरा होगा, क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा हम दोनों का रिश्ता है। इसलिए इच्छा तुम्हारी पूरी होगी और वही मेरे तरीके से होगी, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। और आज के बाद कभी भी मन में कोई शंका मत लाना, बहुत निश्चिंत होकर खुशी से जियो। पता है तुम समस्या में उलझे हो क्योंकि तुम अपनों से बहुत प्यार करते हो, इसलिए कभी कभी तुम उनकी परेशानियों का समाधान करते करते खुद परेशान हो जाते हो, लेकिन यही तुम्हारी अच्छाई है कि तुम सबकी अच्छाई सोचते हो। और जो मेरा बच्चा सबकी अच्छाई सोचता है उसकी अच्छाई कैसे नहीं होगी। मुझे सब दिख रहा है, मेरी नजरें तुम पर है, प्यार भरी नजरें भी और सुरक्षा भरी नजरें भी। इत्मीनान रहो, सब काम होगा, एक एक करके होगा।